हेलो दोस्तों, राजदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कीबोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में, जो हमारे वर्क को और भी आसान बना देता है, जिससे हम बहुत ही कम टाइम में भी काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट की नंबर वन, दोस्तों अगर आपको एक फोल्डर बनानी है, जैसे हमें डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनानी है, तो आप जनरली करते क्या है, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, फोल्डर पे जाते हैं, तो आप एक नया फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। या आप क्या करते हैं, किसी फोल्डर के अंदर आपको फोल्डर बनानी है, तो क्या करते हैं, यही पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे फोल्डर बना लेंगे। इस तरह से काफी टाइम वेस्ट होता है। इसको शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड में आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन प्रेस करते ही आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से यहाँ पे फोल्डर एक बन के आ गई है। चाहे आप जिस लोकेशन में बनाना चाहें, जैसे हम डेस्कटॉप पे ही बनाना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप पे आपको क्लिक करना है, एक बार कंट्रोल शिफ्ट एन बटन प्रेस करते ही आप बहुत आसानी से यहाँ पे फोल्डर आप बना सकते हैं। शॉर्टकट कीज नंबर दो, दोस्तों सेकंड ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे आप किसी ऑफिस में 4-5 घंटे पहले कोई काम किया हो और उसको कट कर दिया हो, तो उसको वापस आप कैसे लेके आ सकते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे कट कर लिया, और कट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स भी होता है, और फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, देन कर लिया हमने कट, अगेन हमने टोटल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, देन कर लिया कट। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे फिर से वापस उसमें से कुछ लेके आना है, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में जनरली आपने विंडो बटन के साथ भी बटन प्रेस करनी है, तो आपके सामने यहाँ पे क्लिपबोर्ड आ जाएगा। इसमें से जो आपको पैराग्राफ चाहिए उस पर आप क्लिक करते ही ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी पैराग्राफ आ गई है। अगेन सेकंड वाला भी लेके आना है, तो अगेन विंडो के साथ भी बटन प्रेस करेंगे, हमें ये वाला ऑप्शन लाना है, क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि वो भी डेटा हमारे पास आ गई है। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से अपनी कट की हुई डेटा को रिटर्न ला सकते। कट की नंबर थर्ड, जनरली दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने बहुत सारे विंडो पे एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ क्रोम पे ओपन कर लिया है, फिर हमने वर्ड भी ओपन किया है, एक्सेल भी ओपन किया हुआ है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारा विंडो ओपन कर रखा है, बट सडनली कोई आ गया और हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारा काम करते हुए देख ले कि हम क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन सी विंडो ओपन किए हैं, तो आप चाहते हैं कि एक ही बार में सबको मिनिमाइज कर देना, तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट की यूज करनी है। विंडो बटन के साथ आप डी बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक सारी विंडो आपको क्या कि मिनिमाइज हो जाएगी। है ना ट्रिक अच्छी, और दोबारा चाहते हैं आपके सेकेंडो में ये आपको क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, तो आपको क्या करना है, अगेन विंडो के साथ डी बटन प्रेस करते हैं, आपने जितने विंडो मिनिमाइज किए थे सारा के सारा क्या हो जाएंगे, मैक्सिमाइज हो जाएंगे। अब देखते हैं शॉर्टकट की नंबर फोर्थ, ये शॉर्टकट की बहुत ही काम आने वाली है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास कई सारे विंडो पे हम काम कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि किस विंडो पे क्या काम चल रहा है, और वो भी हम डेस्कटॉप पे एक ही साथ देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, जनरली अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ टैब, हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, विंडो के साथ टैब बटन प्रेस करते ही आपके सामने जितने भी विंडो ओपन हुई होंगी सारे की सारी विंडो आपके सामने ओपन होकर दिख जाएंगी। साथ ही में आप जिस विंडो पे काम करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमाइज हो जाएगी और बहुत आसानी इस पे काम कर सकते हैं। अब देखते हैं शॉर्टकट कीज नंबर 5, तो इस शॉर्टकट कीज से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने माय कंप्यूटर के फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, या कहें तो फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए विंडो के साथ ई बटन प्रेस करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गई है, और यहाँ पे जिस भी ड्राइव में आप जाना चाहते हैं उस ड्राइव में बहुत आसानी से जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे शॉर्टकट कीज नंबर 6, इसमें क्या करनी है कि आप जिस भी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उस एरिया में क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से जनरली आपको क्या करना है, विंडो शिफ्ट के साथ एस बटन प्रेस करते ही कुछ इस तरीके से आपका विंडो डल टाइप में हो जाएगा, और जिस एरिया को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस एरिया को आप लेफ्ट बटन माउस के पकड़ के और ऐसे स्क्रॉल कर लेंगे, उसके बाद जेहू छोड़ेंगे स्क्रीन शॉट हो चुकी है। जहां भी आप पेस्ट करके उसको सेव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लाना चाहते हैं, कंट्रोल से आप वही बटन प्रेस करते ही आपका क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, और यह एक इमेज के जैसे वर्क करता है। अब देखेंगे शॉर्टकट कीज नंबर
सेवन सेवन में क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप अपने इस विंडो में कुछ इमोजी लेके आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, विंडो बटन के साथ आपको कॉमा या आपका फुल स्टॉप बटन प्रेस करते ही आपका इमोजी बटन ओपन हो जाएगा और यहाँ से जिस इमोजी को आपको लेना चाहते हैं उस इमोजी को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करते ही आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करते ही आपके यहाँ आ गई ये इमोजी। अब इसको सिलेक्ट करके आप चाहो तो इसको बड़ा टेक्स्ट के जैसे कर सकते हो। टेक्स्ट बड़ा करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, ये यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो। चाहो तो आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इमोजी भी लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे शॉर्टकट की नंबर 8। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनती है। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि मान लीजिए आप कंप्यूटर पे काम करते करते कभी थक सा जाते हैं और आप चाहते हैं कुछ देर आराम करना, और उस कंडीशन में आप ये नहीं चाहते हैं कि अपने सिस्टम को शॉट डाउन करें, तो इसके लिए आप अपने सिस्टम को लॉक करके आप कुछ देर आराम कर सकते हैं। जिसके लिए आप अपने कीबोर्ड में जनरली क्या करना है, विंडो के साथ आपको एल बटन प्रेस करना है, जिससे आपकी कंप्यूटर कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। फिर आप इसको जैसे ओपन करते हैं वैसे ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ओपन भी कर लिया। शॉर्टकट कीज नंबर 9, इसका यूज बहुत ही यूजफुल होता है। जैसे आप कोई प्राइवेट वर्क अपनी स्क्रीन पे कर रहे हो और कोई भी सडनली आपके सामने आ जाता है और आप चाहते हो कि अपनी स्क्रीन को हाइड कर लो, या वो आपका डेस्कटॉप या सिस्टम मांग रहा है और आप नहीं चाहते हो जिस स्क्रीन पे आप काम कर रहे हो उसे वो यूज करे, तो आप दूसरी न्यू स्क्रीन आप उसको डेस्कटॉप दे सकते हो। इसके लिए आपको क्या करनी है, अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ कंट्रोल के साथ आपको डी बटन प्रेस करते हो वो आपकी डेस्कटॉप न्यू डेस्कटॉप आ जाएगी। जैसे मैं करके दिखाती हूँ, कंट्रोल विंडो के साथ आपको डी बटन प्रेस करते देखिए आपकी स्क्रीन आ गई, और जैसे वर्क आप करना चाहते कोई फोल्डर ओपन करें सब कुछ वही चीज होगा, बस आपकी आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। अब बात आती है जानने की कि आपकी स्क्रीन जो हाइड हुई है उसको दोबारा आप कैसे लेके आओगे। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, अपने कीबोर्ड से वही कंट्रोल विंडो के साथ फोर एरो डायरेक्शन की होती है उसमें से लेफ्ट या राइट कोई भी आप यूज करोगे। जैसे हमने क्या कर लिया, लेफ्ट यूज किया, तो आप देख रहे हो कि बहुत आसानी से स्क्रीन क्या हुआ है, ये चेंज हो रही है और यहाँ पे हमारी स्क्रीन बहुत आसानी से जो पहले थी वो आ गई है। अब एक और बात आती है कि हमने जो डुप्लीकेट स्क्रीन बनाया था उसे हटाएंगे कैसे, तो आपको क्या करनी है, वही काम करनी है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल विंडो के साथ फंक्शन की सबसे ऊपर होती है उस फंक्शन में F4 बटन प्रेस करनी है। कंट्रोल विंडो के साथ F4 बटन प्रेस करते ही आपकी क्या हो जाएगी, जो आपकी दूसरी स्क्रीन थी वो क्या हो जाएगी, आपकी क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारी विंडो क्या हो जाएगी, हो गई है, क्लोज हो गई है। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 10। दोस्तों ट्रिक नंबर 10 बहुत ही मैजिक है। आप कहोगे वाव क्या ट्रिक है, हमने तो आज तक देखा ही नहीं। जैसे हम चाहते हैं दो विंडो पे एक साथ काम करना, मुझे बार बार क्या करनी पड़ रही है, मिनिमाइज करना पड़ रहा है, मैक्सिमाइज करना पड़ रहा है, बार बार माउस यूज करना पड़ रहा है, और टेक्नोलॉजी के टाइम में बार बार हम एक काम को क्यों करने जाए। इससे बचने के लिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करनी है, विंडो के साथ अपने इसको आपको लेफ्ट में या राइट में एडजस्ट करना है, तो विंडो के साथ डायरेक्शन का लेफ्ट बटन प्रेस कर दीजिए तो ये इधर आ गया। अब इसमें से किस पे आप वर्क करना चाहते हैं, जैसे हम गूगल क्रोम पे काम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे आप क्या करेंगे, विंडो के साथ राइट का प्रेस कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, ये राइट में एडजस्ट हो जाएगी। है ना ट्रिक, देखिए दोनों पे हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, ये बहुत ही मैजिकल होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो काम हम आधे घंटे एक घंटे में काम कर सकते हैं उसी काम को उससे कम टाइम में हम कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल होता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।